संदेह करने वाले व्यक्ति ही सच्चे विज्ञानी होते हैं, जो सिर्फ अपने आप पर और अपने व्याख्याओं पर संदेह करता है लेकिन विश्वास अपने विज्ञान पर रखते हैं। 1669 ख्रिस्ताब्द, रॉयल सोसाइटी के शुरुआती दिन, सोसाइटी की एक बड़े से कमरे में एक वक्ता का भाषण चल रहा है। वैसे यहाँ पर भाषण देने वाले वो व्यक्ति पुराने भावधाराओं पर विश्वास रखते थे। भाषण धीरे धीरे गंभीर हो उठे। सभा की सभी श्रोता भाषण की गंभीरता में खोए थे। अचानक वक्ता का दृष्टि सभा की एक कोने में जा पड़ा। वक्ता आगे आकर कुछ पल थम गया। सहरे में असंतुष्टि का भाव लेकर वो वक्ता बोल पड़े, आजकल तो सोसाइटी के कुछ गुणीमानी सदस्य दिन रात कीड़े मकोड़ों की परीक्षण कार्य में समय बिताते हैं और इन कार्यों के लिए उन्हें मिलने वाली तालियां भी कुछ कम नहीं है। श्रोताओं को समझने में देर नहीं लगा कि सभा की कोने में बैठकर दिखने वाले किस विशेष व्यक्ति को देखकर वो वक्ता असंतुष्ट हो उठे। लेकिन जो व्यक्ति वक्ता की दृष्टि का लक्ष्य था, उनके बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं। वो जैसे थे वैसे ही अपना हसमुख चेहरा लिए बैठे रहे। फिर भी बहुतों को शक होता है, क्या ये व्यक्ति दुनिया में जीवित है? जीवित तो है, विज्ञान की दुनिया में अपने अनोखे अवदानों के साथ स्मृति के रूप में। यही है रॉबर्ट हुक। लेकिन जांच परिंदों की हो या इंसानों की, उनके किए हुए आविष्कारों के द्वारा प्रकृति के अदृश्य और सूक्ष्म दुनिया की आणविक छवि का आकार पहचान करना विज्ञान की दुनिया में संभव हो पाया है। उद्भिद और परिंदों को लेकर चलाए जाने वाले प्रयोगों से मिले अनुभवों के बारे में उन्होंने माइक्रोग्राफिया में संकलित किया है, जहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे जीव और पेड़ पौधों के आकार और उनकी सूक्ष्म बनावट के बारे में उन्होंने गंभीर आलोचना किया है। एक तरफ लोगों की कड़वी प्रतिक्रिया और दूसरी तरफ सफलता की तालियों के बीच में जीव विज्ञान के क्षेत्रों में कदम मिलाकर चलने वाले, आइए आज महान वस्तुकार और विज्ञानी रॉबर्ट हुक के बारे में बात करते हैं। जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनके अवदानों का कोई तुलना नहीं। सबसे पहले उन्होंने ही दिखाया था कि जीवों का देह सोते सोते कोशिकाओं से बना है और उन्होंने इन कोशिकाओं का नाम रखा था टाइनी बॉक्स लाइक कॉम्पोनेंट ऑफ दिस स्लाइस ऑफ कॉर्प टिश्यू, और यही कोशिका जीवन की शारीरिक बनावट का आधार है। उन्होंने कहा है कि किसी वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन उस पर लगाए जाने वाले बल के समानुपाती होता है, जिसे हम हुक के सिद्धांत कहते हैं। इंग्लैंड की दक्षिणी उपकूली क्षेत्रों के व्हाइट द्वीप में रॉबर्ट हुक का जन्म हुआ था। उस वक्त इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। पूरा इलाका पत्थरों से भरा हुआ था। वही समंदर के किनारे अकेले बैठकर ही उनका बचपन बीता, इसलिए उनके स्वभाव में अकेलेपन का भाव ज्यादा था। दोस्तों के साथ खेलने कूदने का भी अवसर नहीं मिला था। द्वीप की निर्जन जगह पर जाकर अकेले समय बिताते थे। खाली आसमान की तरफ देखता हुआ अपने गालों में हाथ रखकर कुछ सोचते हुए रहते थे। व्हाइट द्वीप के गिरजाघर में पुरोहित के एक सामान्य सहायकारी थे रॉबर्ट हुक के पिता। 2 पैसों के रोजगार, जिससे परिवार का देखभाल करना होता है। आर्थिक अभाव के कारण रॉबर्ट स्कूल नहीं जा पाए। अगर मानसिकता दुनिया के बारे में जानना हो तो स्कूल ना जा पाने की अवरोधिता पढ़ाई की ख्वाहिश में बाधा नहीं डाल सकता। रॉबर्ट ने घर में रहकर ही पढ़ना शुरू किया। वैसे वो विशेष लोगों की महान जीवन कहानियों को सुनने में रुचि रखता था। ऐसे ही अच्छी और बुरी परिस्थितियों के साथ रॉबर्ट का बचपन अतिवाहित हुआ। रॉबर्ट की छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो जाते हैं। इसके बाद वो व्हाइट द्वीप में बिल्कुल रहना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लंदन चले जाते हैं। अब उनके पास स्कूल कॉलेज का कोई भी डिग्री नहीं। अगर डिग्री नहीं तो नौकरी नहीं। ऐसे में उन्हें कौन नौकरी पर रखता? नौकरी की तलाश में वो जाते तो हैं, लेकिन उनके शारीरिक स्थिति को देखकर भगा दिया जाता था। खाली पेट के साथ ही बीते कुछ दिन रॉबर्ट का जीवन। भाग्यक्रम से एक दिन उन्हें एक शिल्पी की स्टूडियो में काम मिला। साथ में मिला 2 वक्त का खाना और थोड़ा सा पैसा। इससे रॉबर्ट में खुशी की सीमा का ठिकाना नहीं रहा। वैसे रॉबर्ट अपने काम के साथ इस तरह से जुड़ जाते थे कि उनकी स्मृति में दुनिया की किसी भी चीज का ठिकाना ही नहीं रहता। रॉबर्ट की ऐसी धैर्यतापूर्ण स्वभाव से वो कलाकार हैरानी में तो रहते थे, साथ में संतुष्ट भी हो जाते थे। खुश होकर उन्होंने रॉबर्ट का पगार बढ़ा दिया। इन पैसों में से उनसे जितना हो सके संचय करना शुरू किया, जिससे वो पढ़ाई कर सके। इस दौरान वो लंदन के वेस्टमिंस्टर स्कूल में भर्ती हुए। सुबह शिल्पी के साथ स्टूडियो में काम, फिर स्कूल, स्कूल के बाद फिर से स्टूडियो में वो चले आते थे। काम करने के दौरान संध्या से रात में बदल जाते हैं और जब वो अपने झोपड़ी तक पहुँचते हैं तो रात गहरी हो जाती है। फिर भी शरीर में थकान नहीं, आराम करने का आलस नहीं, बैठकर अपना किताब खोलते और किताबों की दुनिया में खो जाते। चाहे विषय स्कूली किताब का हो या बाहरी किताब का। कुछ दिनों बाद वेस्टमिंस्टर स्कूल में सारो और रॉबर्ट की चर्चा होने लगे। शिक्षकों के मुंह में रॉबर्ट का प्रशंसा, दूसरी तरफ उसकी बर्तावों के प्रति सहपाठियों का प्रभावित होना। गणित के प्रति रॉबर्ट का बेहद आकर्षण था। उस दिनों में ही ज्यामित्री का पहला भाग खत्म कर लिया। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन सफलता और ख्याति के साथ वेस्टमिंस्टर स्कूल से पढ़ाई खत्म करके निकल आते हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड की तरफ जाते हैं। जीवन की उस क्षण तक रॉबर्ट का उम्र केवल 18 साल था। पढ़ाई के साथ पेट की भूख मिटाने के लिए काम भी तो करना पड़ता है। वैसे क्लास खत्म करके बच्चे जाते हैं कॉफी हाउस में, लेकिन रॉबर्ट जाते थे पार्ट टाइम काम करने के लिए।
क्या करें, भूख मिटाने के लिए खाना आसमान से तो नहीं गिरता। फिर घर में आकर विज्ञान से संबंधित अपना प्रयोग चला। ऑक्सफोर्ड में एक प्रतिभावान अध्यापक थे रॉबर्ट बॉयल। वैसे विज्ञान प्रेमी होने के साथ पैसों के मामले में भी अमीर थे रॉबर्ट बॉयल। वैसे उस वक्त पर बॉयल प्राकृतिक गैस के संबंध में कुछ परीक्षण चला रहे थे। विश्वविद्यालय की सोहत पर ही बॉयल का प्रयोगशाला था। वहीं पर वो अपना विचित्र परीक्षण निरीक्षण चलाते थे। धीरे धीरे उनके कानों में भी जाकर गिरा रॉबर्ट हुक के बारे में। सुनने में आया है कि लड़का प्रतिभावान होने के साथ गरीबी से ग्रसित है, बाहर काम करके अपना भूख मिटाते हैं। बॉयल ने हुक को बुलवाकर प्रस्ताव रखा कि परीक्षण के कार्य में उन्हें सहायक बनना है। विज्ञान के विषयों पर अनेक सुविधाओं के साथ काम करने का मौका, साथ ही मोटा पगार, हुक के लिए ये प्रस्ताव सोने पर सुहागा जैसा था। वो इनकार कैसे कर पाता। काम करते करते दोनों रॉबर्ट के बीच में गहरी दोस्ती बन गए थे। रॉबर्ट बॉयल के सहायक के रूप में हुक ने गैसों के व्यवहार से संबंधित नियमों पर बॉयल के प्रयोग में इस्तेमाल किया जाने वाला वैक्यूम पंप का निर्माण किया, जिसके इस्तेमाल के जरिए रॉबर्ट बॉयल के द्वारा नए नए प्रयोग चलाने के दौरान वो जगत विख्यात हो उठे थे। आखिर में रॉबर्ट हुक ने अपनी विद्वानता से रॉयल सोसाइटी में सदस्यता प्राप्त कर लिया। रॉबर्ट हुक के नए नए कामों के प्रति प्रभावित होकर ग्रेसाल कॉलेज ने उनके लिए ज्यामिति के विषय पर अध्यापक के रूप में मनोनीत किया। उनकी रुचि आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की घूर्णन गतियों को निरीक्षण करने में भी था। रॉबर्ट हुक के दिनों में इंग्लैंड के लिए गौरव करने का विषय था समुद्र पथ। उन दिनों नौज्ञान में इंग्लैंड दुनिया में सबसे आगे थे। उस समय पर कोई भी यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति निर्भर करती थी देश की नौ विद्या के क्षेत्र में पारदर्शिता के ऊपर। प्राचीन समय में लोग उनकी 33 करोड़ देवी देवताओं के नामों का जाप करते करते अपनी समुद्री यात्रा पार करते थे। बाद में ऐसी अनिश्चित यात्राओं के लिए इंसानों ने सौर विज्ञान की मदद से आकाश में नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार दिशाओं को निर्देशित करना सीख लिया। वैसे इंसानों ने मौसम के विज्ञान में पारदर्शिता हासिल कर लेने के बाद से समुद्री रास्ते से यात्रा करना अनिश्चित विषय नहीं रहा। इस तरह से जिन जिन देश और संप्रदाय का भाग्य समुद्र से जुड़ा होता है, मुनाफा उन्हीं देशों का होता था। जैसे इंग्लैंड, पहले कितनी सामग्रियों से भरे हुए जहाज खराब मौसम के प्रभाव में डूब जाते थे, लेकिन अब समुद्री नाविकों को पहले से ही मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में पता होता है। वैसे अनिश्चित मौसम के बदलाव के बारे में जानकारी पता लगाने के लिए रॉबर्ट हुक ने अनेक छोटे बड़े यंत्रों का निर्माण किया, जिनकी लिस्ट थोड़ी लंबी है। आप जानते हैं रॉबर्ट हुक वो वैज्ञानिक और वस्तुकार थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व के बारे में कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे। वैसे रॉबर्ट ने कुछ ऐसे भी विचित्र प्रयोग चलाए थे जिनके लिए उन्हें लोगों की कटु दृष्टि का भाजन बनना पड़ा था। एक बार उन्हें लगा कि इंसानों को जल्दी ही वायुसाप के परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बदलाव किस तरह से इंसानों के शरीर में प्रभाव डाल सकता है, इसके बारे में वो जानना चाहते थे। अब क्या परीक्षण शुरू। एक बड़ी सी वायु को रोध करने वाले कमरे का इंतजाम किया गया। एक पाइप के जरिए जितना हो सके कमरे में मौजूद वायु का साप कम करने लगे। अब वो खुद इस कमरे में रहकर समय बिताने लगे, क्योंकि इसके जरिए उन्हें कमरे में परिवर्तित वायु साप के प्रभाव से उनके शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जांच करना था। वैसे बात यहीं पर खत्म नहीं होता, पर उन्होंने खुद पानी में डुबकी लगाने वाले एक पोशाक का तैयार किया, जिसे पहनकर वो खुद समंदर के पानी में कूद गए। दरअसल उन दिनों में ऐसे किसी पोशाक का होना लोगों की कल्पना से बाहर था। रॉबर्ट को देखकर सभी हैरान होकर देखते रहने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। पानी में 7 मिनट तक बिताने के बाद अपना हसमुख चेहरा लिए वो बाहर निकल आते हैं। रॉबर्ट हुक की परीक्षण और निरीक्षण चलाने की परिधि विशाल और विचित्र थी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की गतियों को अवलोकित करने के अलावा टेलीग्राफ के लिए एक आसान पद्धति का भी खोज करके निकाले थे। उन्होंने एरिथमेटिकल मशीन के साथ वायु की गतिविधियों को मापने का एक तेज बेरोमीटर और वर्षा मापक यंत्र का भी ईजाद किया। उन्हें उस शताब्दी के अनेक गुणीमानी वैज्ञानिकों का साथ मिला था, फिर भी उन्हें अनेक गुणीमानी व्यक्तियों के कटु वचनों का शिकार होना पड़ा था। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें अनेक मानसिक दबाव से गुजरना पड़ा था। विख्यात विज्ञानी न्यूटन के नजर में भी वो ज्यादा खास नहीं थे। ऐसे में वो क्या करते। मौनता के साथ सभी मानसिक आघातों को सर झुकाकर सहन करते गए। आखिर में 1703 ख्रिस्ताब्द में उनका देहांत हो जाते हैं।